हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ही स्टेप से मॉडी ब्लैक टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +16, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +15, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -14, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को करेंगे हम +21, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम -42, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस की लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को करेंगे यहाँ से हम -57, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को कर देंगे हम -0.10, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +8, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसे थोड़ा सा और ब्लैक टोन आए। ठीक है, तो इसे रखते हैं +12, एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे। तो गाइस, वीनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -45, एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को कर देंगे हम 0, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आप फेदर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +68, एंड यहाँ से राउंडनेस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, राउंडनेस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे, इसे भी रखते हैं +67, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +18, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 30, एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर कुछ ही स्टेप्स है। तो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस, आप लोग को एडिटिंग पसंद आई, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।